अभी आप टीन एज में हैं, तो क्या बचपन से ही शौक था कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना है, कि फादर को देख देख के शौक पैदा हो गया? 3 साल की उम्र से शौक था, क्योंकि घर में हम लोग देखते फिल्में थे, ऑब्वियसली ये शूट से आते थे, फिल्म देखते थे, DVDs हजार सारी मैंने देखी हुई है, वहीद मुराद साहब की, नदीम बेग साहब की, हमारे लेजेंड्स जो है पाकिस्तान के, तब से मुझे पैशन है और तब से मुझे शौक है। आपके फादर फिल्म में एक सिख का किरदार अदा कर रहे हैं, आपका क्या करेक्टर है फिल्म में? मेरा भी सिखनी का है, क्योंकि मैं फिल्म में भी उनकी डॉटर ही हूँ, मैं पंजाबन सिखनी बनी हुई हूँ, तो मैंने पूरी टर्बन पहन के, मैंने भी 8-8 घंटे शूटिंग की है और सिख पंजाबी मैंने भी बोली है पूरी तरह। तो वैसे तंग कर रहे होते हैं ना ये कि सिमरन तुम्हारी शादी होगी एक दिन, तो सिमरन सीधा सीधा कह देती है पापा जी तुम्हारे वर्गा हैंडसम तो कोई नहीं मिलना। इस ईद पर फिल्म लवर्स को एक तोहफा मिल रहा है फिल्म आर पार की सूरत में, जिसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर मोमर राना तो जलवागर हो ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा सरप्राइज़ है कि उनकी डॉटर रानी अपना डेब्यू करने जा रही हैं। दोनों इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रानिया कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपना डेब्यू करने जा रही हैं, एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड। बड़ी स्क्रीन पर नज़र आना इज़ अ ह्यूज थिंग। वैसे टीवी पर तो आप नज़र आ जाते हो, लेकिन ऑडियंस जब आपको बैठ के देखती है, खुद बैठती है ऑडियंस, टिकट खरीदती है, तो दैट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। ये बताइएगा कि अभी आप 17 इयर्स की हैं और अभी आप टीन एज में हैं, तो क्या बचपन से ही शौक था कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना है, कि फादर को देख देख के शौक पैदा हो गया? 3 साल की उम्र से शौक था, क्योंकि घर में हम लोग देखते फिल्में थे, ऑब्वियसली ये शूट से आते थे, फिल्म देखते थे, DVDs हजार सारी मैंने देखी हुई है, वहीद मुराद साहब की, नदीम बेग साहब की, हमारे लेजेंड्स जो है पाकिस्तान के, तब से मुझे पैशन है और तब से मुझे शौक है। मोमर साहब, आप बताइएगा कि फिल्म आर पार, फिल्म बीनों के लिए ईद पर रिलीज़ की जा रही है, फिल्म के बारे में थोड़ा बताइएगा कैसी फिल्म है, क्योंकि इंटरनेशनली बेशुमार अवार्ड ये फिल्म पहले ही जीत चुकी है, तो पाकिस्तानियों के दिल क्या चीज़ जीतेगी इस फिल्म में? बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फिल्म ये, और मेरा बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट रोल है उसमें, रानिया का भी बहुत डिफ़िकल्ट रोल है, तो शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, और मैंने भी पूरी कोशिश की अपनी, और मैं जेन्यून बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने इतने लंबे करियर में अपने माशाल्लाह अभी तक ऐसा रोल नहीं किया, एंड आई लव डूइंग इट। आपकी कैसी फीलिंग है रानिया डेब्यू करने के लिए जा रही है अपना, और ये बताइए कोई टिप्स दी हैं आपने, क्योंकि आप एक अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में, तो कोई टिप दी हो ऐसी? कोई भी नहीं, सिर्फ मैंने यही कहा वर्क हार्ड, दैट्स इट। ये बताइएगा कि आपके फादर फिल्म में एक सिख का किरदार अदा कर रहे हैं, आपका क्या करेक्टर है फिल्म में? मेरा भी सिखनी का है, क्योंकि मैं फिल्म में भी उनकी डॉटर ही हूँ, मैं पंजाबन सिखनी बनी हुई हूँ, तो मैंने पूरी टर्बन पहन के, मैंने भी 8-8 घंटे शूटिंग की है, और सिख पंजाबी मैंने भी बोली है पूरी तरह, तो दैट वाज चैलेंजिंग, लेकिन मुझे मज़ा आया मेहनत करके। सिखनी का आपने किरदार निभाया, पंजाबी आपको पहले से आती थी कि फिल्म के लिए सीख? पहले से आती थी। क्या आप बताइएगा कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि फिल्म बड़ी कॉमेडी है, फिर एक्शन सीक्वेंस आता है और फिर इमोशनल, तो क्या सारे इंग्रेडिएंट्स फिल्म बीनों को फिल्म में मिलेंगे? बिल्कुल यस, सब कुछ मिलेगा, और ये नहीं कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, थ्रू आउट द फिल्म आपको इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। ये बताइएगा रानिया के फिल्म इंडस्ट्री में अपने फादर के अलावा किसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हो? जी मुझे फवाद खान पसंद है, मुझे और हानिया आमिर बहुत पसंद है जी। और ये बताइएगा कि फिल्म आपकी फेवरेट कौन सी है? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फिल्मों में से मेरी फेवरेट अपने फादर की कौन सी फेवरेट फिल्म है? पापा की ये दिल आपका हुआ और दीवाने तेरे प्यार। ये बताइएगा कि अब ईद आ रही है, ईद पे क्या आप दोनों अपनी फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर जाएंगे, और ईद की और क्या रूटीन होती है? नहीं, फिल्म देखने जाएंगे डेफिनेटली हम लोग, और रूटीन तो कुर्बानी के बाद सोने का होता है, बिकॉज इतने थक गए होते हैं आप पहले फिल्मों में शूटिंग्स के अंदर, फिर उसके बाद प्रमोशंस के अंदर, यू गेट टायर्ड, तो फिर आराम से सोना ईजी। ये बताएगा कि इस ईद पर आपकी फिल्म भी आ रही है, तो ये ईद बाकी ईद से किस तरह से डिफरेंट होगी आपके लिए? क्योंकि मेरा डेब्यू है, मेरी सारी फैमिली एक्साइटेड है, मेरे सारे दोस्त एक्साइटेड है कि वो हम अपनी दोस्त को बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी दोस्त एक्ट्रेस बन गई है ऐसे करके, तो इसकी ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। ये बताइएगा कि किस तरह का कंटेंट जो है आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और जो आपने अब फिल्म में अपना करेक्टर किया उसको कोई डायलॉग सुना सकती हैं? सिमरन का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, सिमरन की शादी की बात हो रही होती है, सोच रहे होते हैं, वैसे तंग कर रहे होते हैं ना ये कि सिमरन तुम्हारी शादी होगी एक दिन, तो सिमरन सीधा सीधा कह देती है पापा जी तुम्हारे वर्गा हैंडसम तो कोई नहीं मिलना। फिल्म में तो तंग कर रहे हैं, वैसे रियल लाइफ में पापा भी कहते हैं, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटी। हम मजाक करते हैं, एक दूसरे को ही तंग करते हैं पूरा पूरा दिन।
रहेगा ईद पर, क्या मैसेज देंगी व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मैं ये मैसेज दूंगी कि मेरा डेब्यू देखने ज़रूर जाइएगा और सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और इस फिल्म में आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, इमोशंस, एक्शन, कॉमेडी, तो ज़रूर देखने जाइएगा। आप ईद पर क्या मैसेज देंगे सारे व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो ख़त्म करें और आपस में गले मिल लें। और दूसरी बात ये है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ आर पर देखने ज़रूर जाइएगा, इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म, यू गोइंग टू लव इट। मोमर राना और उनकी बेटी से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि एक्साइटेड हैं क्योंकि उनकी डॉटर डेब्यू करने जा रही है, लेकिन उनकी डॉटर बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस ईद पर जो फिल्म आएगी आर पर, उनकी अदाकारी भी पसंद आएगी और फिल्म जो है वो भी दिलों को भाएगी।